महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं का युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर ने 15 साल तक राजपाट किया तो उसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वनवास ले लिया और एक आश्रम में रहने लगे। एक दिन वहां महर्षि व्यास का आना हुआ। महर्षि वेद व्यास का वन में आना। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेद व्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेद व्यास देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों के लिए शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे। दोस्तों, यह इस दुनिया की रीति है कि युद्ध के बाद मानसिक व सामाजिक प्रताड़नाओं का युद्ध तो क्षत्रियों को ही करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य की मारी बेचारी पति की मृत्यु के बाद विधवा कहलाती है, जिसे समाज एक कुंठा के नाम से जानता है। और इसी सामाजिक भाव को देखकर वह अबला नारी अपने को भी पति के मृत्यु के बाद मृत ही समझती है। यह बात महाभारत के 15 साल बाद की है। वीरगति को प्राप्त करने वाले यौधवों की पत्नी अभी भी शोक मना रही थी। तब वेदव्यास जी ने उन्हें गंगा नदी के किनारे बुलवाया और कहा कि जो अपने पतियों के लोक में जाना चाहती है जा सकती है। इसी कारण सभी ने अपने प्राण त्याग दिए।